चापट्टी चापट्टी चापट्टी। आइए राजकुमार राजी मेरे साथी का बेटे तक और अब माइक लेके आइए और बोनस के जरिए टॉस भी उनके पक्ष में गिरा, सिक्का गिरा, वो सोने का सिक्का था, मिल गया दंतेवाड़ा को सर और वो सिक्का गिरने के साथ पहला अंक मिल गया। सोने के मोल के माफिक था एक एक अंक। आप सोना पहले अदाई बन काज बना वो कल ज्यादा कीमत है ओकर खिला देते लड़का बन जाना थे तीन दिन तुहर गाँव में खिला थे अब किसका मेहनत करा थे तू ही बन जाना तो देखे वो तो लाख थे छोट कर ग्राउंड है लेकिन वो खिलैया बन बस पहाड़ है। अंक खो दिया है एक चार के मुकाबले गजेंद्र जगत सरपंच जांगीर चापा लछनपुर उनके स्वागत के लिए नवर सिंह देता हूँ फूल माला से स्वागत करें और पेच लगाकर और साथ में शंकर धोरी गजेंद्र जगत सरपंच लछनपुर जिला जांगीर चापा फूल माला से सुशोभित करें। छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग सीजन 5 का 5 का ये पहला सेमीफाइनल का मुकाबला शुरुआत के ही चंद मिनटों में ऑल आउट पे जा रही है सारंगढ़ क्वींस की टीम। दंतेवाड़ा डिवाइस 1-10 के मुकाबले शुरुआती 9 अंकों की लीड के साथ बहुत बड़ा मैच है सेमीफाइनल का मैच। जीतने वाली टीम अपने आप को फाइनल पंगे के लिए पाएगी। बोनस के साथ 11 अंक सुनिश्चित किया छाया चंद्रवंशी ने। दंतेवाड़ा डिवाइस के लिए दो रेडरों की लड़ाई है एक ही टीम से खेलने वाले दो टीम दो रेडर जहां छाया चंद्रवंशी के टीम के पास इस समय डिफेंस है और 10 अंकों की लीड है। पूनम का शिकार हो गया है रेडर बाहर। जिस गति के साथ इस पहले सेमीफाइनल का शुरुआत किया है दंतेवाड़ा डिवाइस के खिलाड़ियों ने वो गति की बहाव को रोकने के लिए उसमें बहने से बचना होगा उनको रोकना होगा तब जाकर के सेमीफाइनल के मैच में आप मजबूती के साथ अपना कदम रख सकते हैं। दूसरा अटेम्प्ट बोनस का क्या प्रयास सफल हुआ है और थमअप के अंगूठे के साथ वो बोनस अंक सुनिश्चित किया अपनी टीम के लिए 13-1 के मुकाबले इधर के छूट रहा है मैदान के ऊपर। दो डिफेंडर बाहर जाएंगे और इस दो अंक के साथ सारंगढ़ क्वींस पहले सेमीफाइनल में तीन और तेरह के मुकाबले 10 अंकों के लीड के साथ नंबर 1 की जर्सी चंद्रवंशी की ओर है और कॉर्नर से ही इस कैट किया स्थापक लाइव पे स्थापक कृपया दुधिया रोशनी से प्रकाशित करें। इस कैट के साथ 14-3 का मुकाबला हो चला है पहले हाफ का खेल है। पूनम चंद्रवंशी बोनस का एक प्रयास और उसमें सफलता हाथ लग गई है रेडर को 4-14 के मुकाबले अंकों के लीड अब 10 रह गया। इधर आते ही डाइव लगाया और जैसे ही डाइव लगाया साथी खिलाड़ी सहयोग के लिए आए कैच असफल हो गया मैदान के ऊपर। दर्शकों की संख्या जिस तरह से है अंतिम दिन का खेल और पहला सेमीफाइनल का मुकाबला 5वें सीजन का छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग और इधर टर्न किया लेकिन सेंटर लाइन के पार नहीं पहुंचा पाए अपने आप को। डिफेंडरों की जाल में वो बुना हुआ जाल जहां फंस गए रेडर पूनम चंद्रवंशी का ना चलना लगातार आघात पहुंचा रहा है टीम को सारंगढ़ क्वींस को। शुरुआत से ही लगातार एक तरफा दबाव डालने की कोशिश उसमें अभी तक कामयाबी हाथ लगी है दंतेवाड़ा डिवाइस को। फुल हाउस मैदान थोड़ी सी तेजी फुटवर्क के साथ रेड इस समय सारंगढ़ क्वींस के रेडर का तेजस्वनी का जैसे ही बोनस के लिए गए डिफेंस आया और रेडर को आउट दिया गया। अंततः ये दूसरे ऑल आउट की बिल्कुल दहलीज पर है नजदीक पर है लोना लेने की इस समय दंतेवाड़ा डिवाइस की टीम
पहले हाफ के खेल में ही ये दूसरी मर्तबा ऑल आउट के साथ ऑल इन और क्वीन सिटी कर जाए तो उसका मनोवैज्ञानिक तौर से फायदा होगा। गति में वो फंस रहे हैं और फंसने के साथ लगातार अंक लिख हो रहे हैं। सारंगढ़ क्वींस के मैदान से पूरम चंद्रवंशी लेफ्ट रेडर नंबर एक की जर्सी कवर के ऊपर फिंगर टच करने का एक प्रयास और उन्हीं का घेरा हुआ लेकिन इनका छूट गया। चैन की वो टुकड़ी छुटी अंकों की लाइन जा रहा है। तीन अंकों का इशारा हो रहा है, सुपर रेड हो चला है सारंगढ़ क्वींस के लिए। इस व्यवस्थापक लगातार अंकों की जरूरत है और लाइट मास्टर लम्हो आज तो पांव परे चला परी आज बुझा जाइए तो फिर बड़ा समस्या खड़े हो जाएगी। 23-7 के मुकाबले 5 का डिफेंस 5 खिलाड़ी कोर्ट के ऊपर धंधे बड़ा डिवाइस अंकों के मामले में लीड में है। वो इस तरह से इस समय दबाव बना के रखा हुआ है, किसी तरह से उसमें ढिलाई बरतने की कोशिश नहीं है, प्रयास नहीं है। लगातार बोनस दिए जा रहे हैं और बोनस पे जब भी जा रहे हैं वो उनको फायदा दिला जा रहा है। और एक मरतबा फिर से क्या बोनस प्लस होगा? जी हाँ बिल्कुल, बोनस प्लस अंक दंतेवाड़ा डिवाइस के लिए। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला है 2023 छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग स्वर्गीय सुरेंद्र जगत की स्मृति में आयोजित हरनमुड़ी के वो और धरती वे मैदान इस समय स्टार खिलाड़ियों को अपनी गोद में खिला रहा है और खिलाने के साथ साथ समस्त ग्रामवासी और ये तमाम दर्शक अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि बालिका वर्ग की महिला वर्ग की इस तरह की कबड्डी सबसे बड़ी लीग छत्तीसगढ़ स्तर का हरनमुड़ी के इस सरजमी के ऊपर जहां पहला सेमीफाइनल में 8-25 के मुकाबले लगातार और बढ़त कदम रखा है दंतेवाड़ा डिवाइस ने। एक प्रयास बोनस का और दूसरा टेंप हुआ, दो टच कंग दो डिफेंडर बाहर जाएंगे, दो खिलाड़ी बाहर जाएंगे सारंगढ़ के मैदान से। सारंगढ़ कोई जो दबाव है उसको किसी तरह से कम करने की कोशिश कर रहा है, सफलता बहुत कम हाथ लग रही है क्योंकि डिफेंस चल रहा है और साथ ही साथ ऑफेंस भी चल रहा है दंतेवाड़ा का और थोड़ी सी परेशानी में अपने आप को पा रहे हैं। ऑफिशियल टाइम आउट इसी बीच तमाम उच्च पदाधिकारी कबड्डी संघ के उस मंच पर इस समय विराजमान है, साथ ही साथ स्थानीय मुखिया सरपंच महोदया ससम्मान्य जगत जी उनकी पंच की टोली लगातार निगाहें उनकी कोर्ट के ऊपर और इस समय सुपर टैकल ऑन हो गया है मैदान के ऊपर सारंगढ़ का मैदान। तीन खिलाड़ी आपस की तालमेल किस तरह से होनी चाहिए, खिलाड़ी आ रहे थे जरूर लेकिन अंत में अपने आप को रोका। लाइट व्यवस्थापक से मेरा बार बार निवेदन है लाइट को सुसज्जित करें। क्या डुआडाई के इंतजार हो रहा है लाइट व्यवस्थापक, खेल में बार बार आपको सूचना दी जा रही है कि आप अपनी तैयारी के साथ रहें, संध्या का समय है और आप बिल्कुल प्रकाश को मैदान के चारों ओर को बिखेरें। इस पर संध्या करें, संध्या दावा ठोक रहे हैं उसको नकार दिया गया है। संध्या छोटे कद की जरूर है लेकिन जिस चपलता के साथ जिस फुर्ती के साथ वो रेट को पूरा करते हैं वो देखते ही बनता है कोर्ट के ऊपर। फुल हाउस मैदान, भरा हुआ मैदान और यही से अंक लेना है और उस प्रयास में दोनों छोर को नापा, अंत में कवर से गुजरते हुए अपने आप को खाली खींचा अपने मैदान की ओर सारंगढ़ की ओर। हेलो Thank you.
हेलो हेलो हेलो। और कुछ देर के लिए वो असुविधा के लिए हम खेल खेल हम क्षमा चाहते हैं आप सभी से। खेल को जिस तरह से शुरुआत से चलाया उस चलाए मैन में बह गई थी सारंगढ़ क्वींस की। हालांकि वो लीग मुकाबले में भी हार का सामना उनको करना पड़ा, लेकिन अंततः जब सेमीफाइनल का मुकाबला आया उसमें और अपनी खेल की निखार में और निखार तक लाया दंतेवाड़ा डिवाइस के खिलाड़ियों ने। संध्या टीम के वो कप्तान जहां तीन का डिफेंस है, सुपर टैकल का मौका बन सकता है, पीठ दिखाया, बैक होल्ड किया, तीन खिलाड़ी के आपस की तालमेल कामयाब हो गया। सुपर टैकल के दो अंग खिलाड़ी पकड़ो, दो अंक बटोरो, साथ ही साथ एक खिलाड़ी उसमें से जीवित होकर के मैदान में आएंगे। लंबे कद्दी रेडर एक अनमने ढंग से बिल्कुल पीठ को दिखा दिया, किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं। अंततः डिफेंस ने कहा कि हम टैकल के लिए जाएंगे। हेलो हेलो। तीन खिलाड़ी और दो मर्तबा ऐसे समय आए सुपर टैकल करके दिखाया और लगातार वो लाइट का हिलना सामने के एलईडी पे खिलाड़ियों को स्कोर ना दिखना और इससे भी दर्शकों को भी ना दिखना। हम दर्शकों से भी हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि लगातार वो लाइट हिल रही है, इसलिए आपको लगातार अंकों की जानकारी वहां से सामने से नहीं मिल पा रहा है, उसको दुरुस्त जरूर किया जाएगा। तीन खिलाड़ी सुपर टैकल सामने, एक मर्तबा फंसाया जरूर है छाया चंद्रवंशी को, इस बार कामयाबी छाया चंद्रवंशी के हाथ लगते हुए नजर आ रही है। सेकंड सेमीफाइनल कबड्डी प्रीमियर लीग का पहला पुरस्कार प्रदत्त है ससम्मान्य श्री दीपक सोनकर, महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी भाजपा हमारे बीच, कांग्रेस माफ कीजिएगा, हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। उनका भी हम समस्त ग्रामवासी हरण मुड़ी की ओर से तमाम सभी उपस्थित दर्शकों की ओर से, आयोजनकर्ता के साथ साथ जिला कबड्डी संघ बिलासपुर की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला और पहले सेमीफाइनल में जिस गति के साथ खेल की शुरुआत हुई है उस गति की बहाव में लगातार सारंगढ़ की टीम बहती चली गई और दंतेवाड़ा डिवाइस इस मुकाबले में एक मजबूत लीड की ओर बढ़ रहा है और जहां से वो ग्रीन कार्ड वो दिखाया जा रहा है कि आपको एक वो हिदायत है कि आप किसी तरह की रेडर जब रेड पर हो तो आप किसी तरह की आप उनको आवाज या ताली बजा करके कोई कमेंट्स नहीं कर सकते। इस बार लंबे कद के रेडर दावा ठोक रहे कवर के ऊपर और संध्या का शिकार, कवर के खिलाड़ी बाहर जाएंगे दंतेवाड़ा डिवाइस के लिए। काफी देर के बाद ही सही लेकिन अंक मिला, दो मर्तबा ऑल आउट का उस समय देख चुका है ये टीम और लगातार ये कॉर्नर से चूक होना और चूक होने के साथ साथ अंकों के लीड को और कंसोलिडेट कर रहा है और मजबूत कर रहा है दंतेवाड़ा डिवाइस की टीम। पूनम चंद्रवंशी का रेड में जादू चलना मतलब उनकी रेड चलना सुकून दे जाएगा, इस बात के छूट गया है मैदान से दंतेवाड़ा डिवाइस के लिए। दंतेवाड़ा डिवाइस हर एक समय
खासतौर से डिफेंस में अपने आप को बचाने की जरूरत है। राइट रेडर है, इस बार कॉर्नर के ऊपर पैर चला है, कॉर्नर इन के ऊपर, दूसरी ओर रनिंग बोनस का प्रयास है, क्या सफलता हाथ लगी है, इस तरह से उनका हाव हाव है, वो कॉन्फिडेंस के साथ है, उन्होंने बोनस की वो पीली पट्टी जो है उसको साफ सुथरे ढंग से पार किया है, लेकिन अंततः उसकी पूरी तरह से पुष्टिकरण होगा तो ऑफिशियल के द्वारा। पहले हाफ का खेल समाप्त हुआ, अंकों की जानकारी हम आपको इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि वहां से जहां और दूसरे सेमीफाइनल इसके बाद आपको देखने को मिलेगा इस मैदान के ऊपर, इसके साथ ही साथ वो महा और मेगा फाइनल इस मैदान के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। दूधिया रोशनी जो हमारे दीवाने ग्रुप सारे कुमापा के साथी हैं, वो कर्मा ददरिया वो सुवा ये तमाम लोग गीत के ओर ले चलबो इस सेमीफाइनल के बाद। हमारे साथी मन तैयार हवे हाँ पीताम्बर भाई जगत चाय सवाल पत्रकार दूसरे हाफ का खेल है। पूनम चंद्रवन से टीम पीछे पा रही है अपने को, 39-15 के मुकाबले टेकल सफल हो गया। बोनस का अंक सारंग और क्वींस के लिए, जबकि रेडर का शिकार गंग दंतेवाड़ा डिवाइस के लिए 16-40 के मुकाबले अंकों के लीड के साथ नंबर 6 की जर्सी टीम के कप्तान, उनके कंधों पर रेड की कमान संध्या चौहान एकदम दे बैठे, जैसे पैर दिखाया कॉर्नर कैचर पकड़ने के लिए गए, कैच को पूरा किया, 17वां अंक लिया सारंगढ़ क्वींस ने। उल्टी गिनती के साथ साथ वो दूसरे हाफ का खेल, ऊंचे कद की लंबे कद काठी की रेडर टहलने के अंदाज में क्रॉस क्रीज के बाहर उनको टैकल किया गया। ऑफिशियल टाइम आउट चीज ऑफिशियल आपस में बातचीत भी करते हैं। पहला सेमीफाइनल चंद्रवंशी को रोक पाना, छाया चंद्रवंशी को वो नुकसान हुआ लगातार पहले हाफ की खेल में, क्या दूसरे हाफ में भी उनका जादू चलेगा, उनका रेट चलेगा? अगर ऐसा होता है तो दंतेवाड़ा डिपाई अपने आप को उस अंतिम और फाइनल पंगे के लिए पाएगी जिनकी आसार अभी बनी हुई है। और इस लिट के साथ, इस अंक के साथ, बोनस अंक के साथ 42 अंक पर 42-17 के मुकाबले अंकों से पीछे है टीम। रेड की तो बात छोड़िए, मैदानी बचाव में भी लगातार कामयाबी हाथ लग रही है। और इधर प्रवेश द्वार पर छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग के दो दिग्गज हेमंत यादव और सम्मानित प्रदीप यादव, इनकी देख रहे, इनकी अगुवाई इन्होंने और पीताम्बर कोरते, जबकि कोटा बड़ाज से वो लगातार इनके साथ जुड़े हुए, और साथ ही साथ राजेंद्र जगत जी जहां उनके ही ग्राम पर छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग आयोजित है। पहला सेमीफाइनल, पहले सेमीफाइनल में लगातार तो टीवी है जोल जाते जी कहा हो जाते हो है पीताम्बर कथे ना आज भार तुम आंखी ने खोल के रखा गया कथे आज डोल जा तो सब डोल जा फिर जागे के मतलब कहा हो। संध्या टीम के पास लीड है, दंतेवाड़ा डिवाइस एडवांस टेकल के लिए गया सारंगढ़ क्वींस, नाकाम साबित हुए केचर वहां पर। दूसरी ओर फुल हाउस मैदान, भरा हुआ मैदान, वॉक लाइंस के बाहर से पैर को चलाया, थोड़ी सी अंदर जाने की हिम्मत जुटाई, नंबर 9 की जर्सी इस बार मैदान के बीचों बीच जहां कवर के खिलाड़ी खड़े होते हैं वहां स्लिप करने की कोशिश, थोड़ी सी क्या फिसलन सी भी आ रही है मैट के ऊपर, ये तमाम बातें हैं। और इसी बात को बात भी कर रहे थे दोनों यादव साथी, दोनों यादव बंधु, कि जितनी जल्दी हो सके वो अंतिम मुकाबला भी हो ताकि खिलाड़ियों को, खिलाड़ियों की जो खेल है वो सारी प्रतिभा है वो दर्शकों को देखने को मिले, खासतौर से इस बात की ओर ध्यान है यादव साथियों का, और ताकि मैट पे फिसलन ना हो। और जिस गति के साथ और जिस तरह के खिलाड़ी हैं वो टीमों में, वो अंतिम मुकाबला जब आए तो पूरे दमखम के साथ और जितने हुनर है उनके पास वो सभी को दिखा सके। इसीलिए हम सभी भी चाह रहे हैं कि सीत आने से पहले लड़ाई का रेड है, सीत आने से पहले अंतिम और फाइनल पंगा समाप्त का भी हमको देखने को मिले। पीठ दिखाने के साथ डिफेंस का छूट आ गया और छूट आने के साथ कैच को पूरा किया,
तो जहां से वापसी की एक उम्मीद, वापसी की एक थोड़ी सी रास्ता ढूंढ रही है टीम सारंगढ़ क्वींस, उसमें ताल बजते हुए किसी तरह के वापसी के रास्ता खुला छोड़कर नहीं जा रही है टीम दंतेवाड़ा डिवाइस। एक मरतबा शुरुआत से जब लीड एक सिलसिले का शुरुआत था, उसको लगातार बरकरार रखा और लगातार उसमें कामयाबी हाथ लगी है। सबका फूल हाउस भरा हुआ मैदान, अब पूरे मैदान से खाली हाथ खींचा अपने मैदान की ओर। दो खिलाड़ी डिफेंस के ऊपर मैदान सारंगढ़ क्वींस का, इन दो खिलाड़ियों को क्या वो टच कंक ले जाएगी या फिर सुपर टैकल में फंसाएगा ये टीम। अगर ऐसा नहीं कर पाती सुपर टैकल, एक खिलाड़ी कहीं चले जाते हैं तो ऑल आउट के बिल्कुल नजदीक पाएगा अपने आप को, और करीब धकेल दिया सारंगढ़ क्वींस को ऑल आउट की ओर। एक खिलाड़ी अब रह गए हैं नंबर 6 की जर्सी के साथ, अब उनको अपने साथी खिलाड़ियों को मैदान लाना होगा, अन्यथा यहां से ऑल आउट पे जाएगी टीम सारंगढ़ क्वींस। दूसरे हाफ में उनके नतीजे में कुछ बदलाव होते नजर नहीं आ रहा है, रणनीतियां जरूर बदली अब जा। दूसरे हाफ का खेल है, टीम के कप्तान के कंधों पर वो कमान कि सेफ रेड यहां से क्या करना पसंद करेंगे या फिर स्ट्रगल पे जाना पसंद करेंगे। अंकों की लीड जिस तरह से है, अगर यहां से संध्या चौहान पकड़े भी जाते हैं तो ज्यादा नुकसान होगा नहीं, पर फर्क ये है कि आपकी टीम सेकेंड कॉल सेकेंड सेमीफाइनल के लिए दबंग राज नांदगांव विरुद्ध कवर्धा क्वींस। दुदी पुकार दबंग राज नांदगांव और कवर्धा क्वींस की टीम के लिए दूसरे सेमीफाइनल के लिए बोनस का अंक, और बोनस के अंक के साथ अंकों के लीड को कुछ कम करने का जो प्रयास था उसमें सफलता हाथ लगी है। इस रेडर को ना रोक पाना वो खतरे की घंटी है सारंगढ़ क्वींस के खिलाड़ियों के लिए, उनके टीम के लिए। और लगातार छाया चंद्रवंशी का जादू चलना, वो शुरुआत से जब उन्होंने लीग का मुकाबला खेला, ये तो सेमीफाइनल का मुकाबला है, अभी एक मर्तबा जब उनको सुपर टैकल किया गया था तभी वो पकड़े गए थे। इधर डिफेंस में सेंध लग गया है, क्या तीसरा खिलाड़ी भी बुलाया जाएगा? तीसरा खिलाड़ी बुलाया जा रहा है, मतलब कि सुपर रेट का इशारा हो रहा है सारंगढ़ क्वींस के लिए। इस रेडर के ऊपर निगाहें ये बना के रखना था सारंगढ़ क्वींस को, लंबे कद की रेडर है, हैंड टच लिया कॉर्नर से और एक और अंक दिलाया अपनी टीम को दंतेवाड़ा डिवाइस को। पूनम चंद्रवंशी और छाया चंद्रवंशी दोनों एक टीम के खिलाड़ी हैं, लेकिन इस लीग में खास तौर से पूनम चंद्रवंशी का जादू चला नहीं, हालांकि वो सेमीफाइनल में है, और सेमीफाइनल में जहां उन्हें अपने टीम को जीत दिलाने की जरूरत थी, एक मरतबा फिर उन्होंने निराश किया। लेकिन दूसरी ओर ये नंबर एक की रेडर छाया चंद्रवंशी का चलना, और छाया चंद्रवंशी मैं कहूँ तो 5 सीजन में कोई ऐसा सीजन नहीं रहा छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग का महिला वर्ग का, अंतिम 5 मिनट का इशारा हो रहा है मैच रेफरी के द्वारा, सॉरी माफ कीजिएगा वो इशारा ये था, माफ कीजिएगा वो जिस तरह से वो हाथ दिखाया था तो लग रहा था, और वन टच का मांग है, कॉर्नर से मना करे जा रहे थे कि टच हुआ नहीं है, अंत में वो टच स्वीकार किया गया। और 7 का भरा हुआ मैदान, कॉर्नर से लगातार अंक लिख हो रहे हैं, और जो दबाव बनाने का एक प्रयास होना चाहिए वो दबाव बना नहीं पा रही है टीम। और दूसरी ओर सब चीज है डोला थे काजी, कुछ नहीं दिखा था उधर, घड़ी बड़ी गलों नहीं दिखा है, खाली खेला था तेरे भरा दिखा था। मैं नहीं पूछा था भाई, हम पीछे को बैठे हैं है मातृशक्ति कथे जेलना उमन कहते का हो गए कथे है कहा दाई कथम हम
तो मैच ये पहला सेमीफाइनल जिसमें पूरी तरह से हावी है दंतेवाड़ा डिवाइस की टीम, और दंतेवाड़ा डिवाइस जब पहला सेमीफाइनल में पूरी तरह से हावी है तो ये मानिए, और जर्सी टच की उनकी मांग थी उसको नकार दिया गया है। सेमीफाइनल के साथ ही अपने आप को फाइनल के बहुत करीब पा रही है दंतेवाड़ा डिवाइस। इस लीग में उन्हें एक भी हार का अभी सामना करना नहीं पड़ा है, बशर्ते एक मैच जहां वो दबंग राजनांदगांव के साथ उनका दबंग राजनांदगांव के साथ उनका टाई का मैच रहा, दो अढ़ाई का होटल। रेडर को ये आवाज उनके कानों को अच्छी लगती नहीं है, लेकिन जब सफलता लगे तो अच्छी भी लगती है कि डू ऑर डाई में उनको आउट होने वाले खिलाड़ी ध्यान दें। अंतिम पांच मिनट का इशारा हो रहा है, वो 30 सेकंड का इशारा उस समय था, वो काउंटडाउन नीचे की ओर, और जिस समय हमने आपको अंतिम पांच मिनट की जानकारी हम दे रहे थे, अब जाकर के अंतिम पांच मिनट का इशारा हुआ है। बिल्कुल दंतेवाड़ा डिवाइस अब खेल की गति को धीमी करने का प्रयास कर रहा है, करना भी चाहिए, ऊर्जा बचा के भी रखना है। अगर टीम के पास आपके पास पुख्ता बढ़त है, पुख्ता लीड है, तो लीड को आप सहेज कर रखिए, और सहेजने के साथ साथ जब फाइनल का मुकाबला आएगा, जो अब यहाँ से संभवतः अब आसार यही है, लगने यही लग रहा है कि दंतेवाड़ा डिवाइस अपने आप को सेमीफाइनल में पा रहा है, फाइनल में पा रहा है, और उसमें एक कदम और रख दिया है स्टेकल के साथ अंकों की में। अंतिम चार मिनट का खेल अभी आने को है, खड़े डुआडाई अंदर गए, टर्न जरूर किया, लेकिन तब तक डिफेंस आ गया था टेकल करने के लिए, एक अच्छे तालमेल के साथ कैच को पूरा किया सारंगढ़ क्वींस के खिलाड़ियों ने। पांच खिलाड़ी मैदान के ऊपर, दर्शकों की संख्या जिसकी हम बात करें, लेकिन डुआ इस बार क्या बातचीत जारी है, क्या खिलाड़ी टेकल के पहले लॉबी में चले गए थे, लाइन एम्पायर इसी की जानकारी ले रहे हैं, और अंत में रेडर से कहा खिलाड़ी पहले बाहर चले गए थे कॉर्नर के वो लॉबी पे, इसलिए रेडर को सुरक्षित घोषित किया और कैचर को बाहर का रास्ता दिखाया ऑफिसियलों ने। चंद्रवंशी, और चंद्रवंशी जो है छाया लगातार अपनी टीम को छाया प्रदान कर रही है, अंकों की शीतल छाया प्रदान कर रही है, अब उस ठंडकता में उनकी और टीम निखर कर आ रहा है। दंतेवाड़ा डिवाइस अंकों की लीड इतनी बड़ी है कि पूनम चंद्रवंशी का ये रेट एकाक अंक भी हो तो ज्यादा उससे नुकसान है नहीं, लेकिन अगर मैं पीछे देखूं दर्शकों की शायद समर्थन वो सारंगढ़ क्वींस की ओर थी, लेकिन उनकी टीम पीछे चल रही है, और दर्शकों को जब सामने स्कोर बोर्ड दिखाई ना दे और कुछ इस तरह का खेल देखने को मिले तो बड़ा आनंदित हो जाते हैं दर्शक, और उनको लगता है कि ये खेल जिस तरह से हो रहा है, और इन लड़कियों में कितने अंक, दो अंकों का इशारा हो रहा है, पर दो रिवाइव लिया, दो खिलाड़ी को अंदर आने के लिए उसी के साथ, और आने के साथ अब मैदान के ऊपर उनके पांच खिलाड़ी हैं, और पूनम इस मर्तबा वो दो अंकों की भरपाई इस रेट की बदौलत कर रहे हैं। तो ये कहूं कि दर्शक जिस स्कोर बोर्ड को देखना चाहते हैं वो उसका बंद रहना, क्योंकि वही तो रोचकता है कि कितने समय बचा हुआ है, कितने अंकों की लीड चल रही है, किस टीम के पास वो देखना चाहते हैं। एक मर्तबा महज एक बार ही टेकल किए गए, वो भी सुपर टेकल में फंसे थे। अंतिम दो मिनट का इशारा हो रहा है इस पहले सेमीफाइनल के समाप्ति के लिए, और जहां क्या एक ऑल आउट की ओर धकेल जाएगा टीम सारंगढ़ क्वींस दंतेवाड़ा डिवाइस को, या फिर वो ऑल आउट की ओर बिल्कुल अगर धकेलना चाहिए, दो मिनट का खेल है, टीम पीछे चल रही है आपकी, उसमें एक पड़ाव तो पार कर लिया है। वन डिफेंडर बाहर नंबर सिक्स, और टीम के कप्तान है, और जवाबदारी बहुत बड़ी होती है कंधों पर, लेकिन एक बार भी ऑल आउट न कर पाना, दूसरी ओर आपकी टीम तीन मर्तबा ऑल आउट का वो समय देख चुका है दंतेवाड़ा डिवाइस के सामने,
इधर हिलने डिफेंस भी हिल रहा है और लगातार चुप करते चला जा रहा है, जिसका फायदा बोनस के 7 अंक दंतेवाड़ा डिवाइस के लिए। अंतिम 1 मिनट का खेल, मतलब कि ऑफिशियली तौर से अब उसकी घोषणा होना ही बाकी है समय के साथ, जहां दंतेवाड़ा डिवाइस 5वें सीजन का छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग का फाइनल कॉल। सबम राज नाम गांव विरोध कवर्धा क्वींस अंतिम पुकार और तुरंत आप उपस्थिति देंगे। प्रवेश द्वार को आप छोड़ के रखिएगा, वहां से टीम तुरंत आएगी सेमीफाइनल के लिए, दूसरे सेमीफाइनल के लिए। दबंग राज नांगा कवर्धा क्वींस आपके लिए अंतिम पुकार, और उस मैच के मैच रेफरी होंगे रमेश वर्मा, एम्पायर होंगे अजय सहा, किशन चौधरी, स्कोरर सरिता सिदार, असिस्टेंट स्कोरर मधु यादव, महेंद्र पटेल, लाइन एम्पायर धीरा जी साहू, सुरेंद्र कश्यप, जबकि डुआ डाई निर्णायक होंगे राकेश देवांगन जी। दूसरे सेमीफाइनल में सुपर टैकल का मौका छूट गया हाथ से, अंततः जो मेरी मांग थी कि एक ऑल आउट देना चाहिए टीम दंतेवाड़ा डिवाइस को, उन्होंने दिया। मैच ओवर, पहला सेमीफाइनल खत्म। अंतिम और फाइनल पंगे के लिए दंतेवाड़ा डिवाइस का इंतजार करेगी दूसरे सेमीफाइनल के साथ। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला दबंग राज नामगांव विरुद्ध। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।